एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, क्योंकि मुझे पहले लगा था 3.5 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम लगा। हम पहुँचे यहाँ पर, फिर भाग भाग के जल्दी जल्दी आए, इसलिए मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो बेसिकली पहले आपको काउंटर पे जाना है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर लेंगे, आपको अपनी अंडरटेकिंग पासपोर्ट ये सब देना है, प्रिंटेड टिकट दिखाना है, उस पर वो सब थप्पा लगा के देंगे, एंड फिर आप आगे आओगे, अपना बैग चेक इन करोगे, थोड़ा सा चलते ही आपको सिक्योरिटी में जाना होगा। सिक्योरिटी अभी फंड नहीं, एक कोई मैनुअली चेक नहीं कर रहा था, एक क्लोज स्पेस था उसमें जाते हो, टाइम मशीन कैप्सूल टाइप, फिर पूरा ऐसे घूमता है, हो गया। और जैसे आप यहाँ देख रहे हो अल्टरनेट सेटिंग की व्यवस्था भी है, मतलब कोई भी पास ना उठे, और यहाँ पे डोनेशन, मोस्टली सारी दुकानें बंद हैं। यहाँ पे काफ़ी हैंड्स घूम रहे हैं इधर उधर। अब मैं जा रहा हूँ दुकान में पानी का भी, 6:40 की फ्लाइट है तो 5:40 तक खुलेंगे, अभी 15 मिनट और शायद बचे हैं, बस उसके बाद चलेंगे। We have just started boarding, and जो बीच में बैठे हैं उनको पूरा बीच ही झेलना पड़ रहा है, ये है यहाँ पर। जो साइड में बैठे हैं उनको नॉर्मली बैठ सकते हैं। मैं वॉशरूम में खड़ा हूँ, और यहाँ पे कुछ सैनिटाइज़र वगैरह कुछ नहीं है, हालांकि मतलब काफ़ी क्लीन है, सब कुछ सही है, बट एक सैनिटाइज़र आई थिंक होना चाहिए। फाइनली वैसे को काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे कंपनी का पेंट टुकड़ा हुआ है, तो एयर इंडिया वाले से निवेदन है इसे पेंट करें, सही करें। इमिग्रेशन को पार हो गया है, अभी हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है,
तो अभी हम वेट कर रहे हैं जब तक पूरा ग्रुप नहीं आएगा तब तक जाएंगे नहीं। तो सब लोग वेट कर रहे हैं केक करके, जब पूरा ग्रुप आएगा बच्चे स्टेज बंद होगा तो जाएंगे। पॉइंट जहाँ पे हमें स्टेट वाइज डिवाइड करके बताया जाएगा कि आप पेंसिल में रहने या घर जा सकते हैं। तो लोग देखिए हाँ काफ़ी एंड फाइनली 6 घंटे बाद हम एयरपोर्ट से निकला हूँ और अब दिल्ली की गर्मी सह रहा हूँ इतने टाइम बाद।